स्कोरिंग मैच और हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज खेले गए इस मुकाबले में यही देखने को मिला। क्यों ओम प्रकाश सर, सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल अरुण, आप सही कह रहे हैं। और दरअसल जो ये लो स्कोरिंग मैच होते हैं काफ़ी उठा पटक वाले होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं ये अप्रत्याशित मैच होते हैं। परिणाम किसकी तरफ चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा तो मैंने भी था कि 2 या 3 विकेट से हैदराबाद के गिरेंगे, उसके बाद में 6-7 विकेट से जीत जाएंगे, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। और अलजारी जोसेफ जिनको आज पहली बार टीम में शामिल किया गया और वो पहला मैच खेले लसित मलिंगा की जगह पर, उन्होंने 12 रन देकर 6 विकेट लिए। अगर सनराइजर्स की बात की जाए तो सनराइजर्स के भी गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन आज तुरुपाई का साबित हुए अलजारी जोसेफ, जिन्होंने बिल्कुल कमर तोड़कर रख दी और 96 रनों पर समेट दिया अब मुंबई इंडियंस को, सनराइजर्स हैदराबाद को। जी तो कैसे देखते हैं कि अब जैसे आने वाला टूर्नामेंट है, इस ये बॉलर क्या मुंबई इंडियंस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है? देखिए, जिस तरह से उन्होंने 6 विकेट लिए तो अब वो ट्रम्प कार्ड तो उनके हो ही गए हैं। लसित मलिंगा की उन्होंने पूरी कमी नहीं खेलने दी, पूरी कमी उनकी पूरी कर दी। और उसके बाद में अगर देखा जाए 6 विकेट अब तक किसी ने ले नहीं पाए 2019 में। अभी तक 2019 में किसी बॉलर ने नहीं लिए हैं 6 विकेट, ये पहले से बॉलर हैं इन्होंने 6 विकेट लिए हैं, वो भी अपने डेब्यू मैच में। जी, वो भी अपने डेब्यू मैच में, तो वाकई कमाल की बॉलिंग की है इन्होंने। हालांकि बल्लेबाजी की बात करें तो आज दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजी कुछ खास देखने को नहीं मिली है, तो उस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, हम सनराइजर्स हैदराबाद को थोड़ा कोट करेंगे, क्योंकि जब डेविड वार्नर और ये चल रहे थे आपके जैनी वेरिस्टो, तो ये धुआंधार जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बाकी जो उनके पीछे के बल्लेबाज आते थे बाद में वो भी अच्छा खेलते थे, लेकिन उसके बाद में आज देखिए जैसे ही वो 16 रन बनाकर 15 रन बनाकर जैसे आउट है दोनों ओपनर, उसके बाद में जो मध्य क्रम है वो पूरी तरह से क्लैप्स कर गया, कोई भी बल्लेबाज चल नहीं सका। राशिद खान से उम्मीद की जाती थी कि वो अच्छे हिटर हैं और हिटिंग पावर रखते हैं, और जिस तरह से उन्होंने पिछले मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो चाहे T20 लीग के मैच रहे हों, लेकिन आज वो कुछ खास नहीं कर पाए। और अरुण, मैं आपको बता दूं कि इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस 4th नंबर पर पहुंच गया, उसकी जो प्ले ऑफ में पहुंचने की उसकी जो उम्मीदें हैं वो भी सब बरकरार हैं। जी चलिए, जैसे कि अब आपने कहा कि मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ में पहुंचने की सब उम्मीदें बरकरार हैं, आगे आने वाले मुकाबलों में कैसा सफर होने वाला दोनों टीमों? देखिए, मुंबई इंडियंस बैटिंग नहीं कर पा रही है, उनके बॉलर तो ठीक ठाक कर रहे हैं। आप देखिए, चाहे राहुल चाहर को देख लीजिए, चाहे जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए, जेसन बहन रॉप को देख लीजिए, और आज अलजारी जोसेफ ने जो कुछ किया, लसित मलिंगा ने, आपको पता ही होगा कि पिछली बार 10 रन बचाए थे उन्होंने, शानदार बॉलिंग की थी। तो मुंबई की तरफ से बॉलिंग तो अच्छी हो रही है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। और हम ये मानकर चलते हैं कि आने वाले समय में जो रोहित शर्मा है वो एक बार अपनी बल्लेबाजी पर, अपनी और अपनी टीम के बल्लेबाजी पर वो गौर करेंगे, और हो सकता कि आने वाले मैचों में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज जो है अच्छी बल्लेबाजी कर अच्छा एक स्कोर खड़ा करें और एक टफ फाइट देखने को मिलेगा आने वाले मैचेस में। चलिए, हम भी यही चाहेंगे कि आने वाले मुकाबलों में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा खुद बल्लेबाजी का दारोमदार संभाले और टीम को जीत हासिल दिलाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।